हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, आज का वीडियो के साथ शेयर करने वाले मेरे एक्सेंचर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो किस तरीके से मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था और मैं जो ऑलमोस्ट ज्वाइन करने वाला था एक्सेंचर, तो कंप्लीट प्रोसेस के बाद में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। और थोड़ा सा मैं आपको टिप्स भी दूंगा अगर आपका एक्सेंचर का आप एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, या आपका जो इंटरव्यू में सिलेक्ट, आपका जो एग्जाम क्लियर हो चुका है और आप जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा जो मैं आपको टिप्स वगैरह भी देने वाला हूँ, ताकि आप सबका भी सिलेक्शन हो जाए एक्सेंचर में। ओके, तो पहले शुरू करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो गाइस, एक्सेंचर का जो फॉर्म फिलअप होता है वो साल में 4-5 बार हो जाता है। इस साल के लिए तो हुआ था, पता नहीं कि नेक्स्ट ईयर के लिए होगा कि नहीं होगा। अभी हायरिंग बहुत ही ह्यूज नंबर में हो रहा है, सो पॉसिबल चांसेस हैं कि नंबर ऑफ हायरिंग 2022 में भी काफी ज्यादा रहेगा। ओके, सो अब शुरू करते हैं। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसके बाद आपको एक डेमो टेस्ट का मेल आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेमो टेस्ट को जो अपेयर नहीं करते हैं तो आपका चांसेस रह जाता है आपका जो है जो मेन असेसमेंट का मेल है वो ना आए। तो जब भी आपका डेमो का मेल आता है एक्सेंचर से, मेक श्योर कीजिए आप जो है 5 मिनट लगता है आपका, 5 मिनट आप दीजिए और जो ज्वाइन कीजिए और डेमो टेस्ट को दे दीजिए। ओके, तो ये सिस्टम चेक होता है, ये मैंडेटरी होता है, लिखा नहीं रहता है मगर मैं आपको बता दूं ये मैंडेटरी रहता है। मेरे एक फ्रेंड का जिसका डेमो का टेस्ट वो डेमो में अपेयर नहीं किया था, उसका जो है बाद में मेन असेसमेंट का मेल नहीं आया था। ओके, सो मेक श्योर करना आप जो है ज्वाइन करें डेमो टेस्ट के लिए। सो डेमो टेस्ट हो जाता है, उसके बाद आता है आपका एग्जाम टेस्ट का मेल। ओके, सो ये एग्जाम काफी बढ़िया एग्जाम रहता है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है इनका एग्जाम का। बहुत सारे टॉपिक के ऊपर एग्जाम होता है, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, एप्टीट्यूड रीजनिंग हो गया, प्रोग्राम के एमसीक्यू जो कि शुडो कोड कहा जाता है वो रहता है। उसके साथ साथ क्लाउड के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, क्लाउड जो सब्जेक्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। उसके साथ साथ एमएस वर्ड के ऊपर भी बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, सो इतने सारे टॉपिक के ऊपर एक्सेंचर का पहला स्टेप का जो एग्जाम होता है एक ही दिन में होता है। पहले आपको एमसीक्यू टेस्ट देना होगा, अगर आप क्लियर करते हैं तभी आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको एक स्क्रीन में ऊपर एक पॉपअप आएगा, वेट फॉर 5 मिनट्स, तो वो टाइमर घूमेगा, तब आपका अगर एग्जाम क्लियर होता है तभी आप जो नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल होंगे, जो कि होगा कोडिंग टेस्ट। अगर आप नहीं होते हैं तो आपको दिखा देगा कि यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड और आपका एग्जाम वहीं पर ही खत्म हो जाएगा एमसीक्यू तक। ओके, सो अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं एमसीक्यू के बाद, तब आपका खुलेगा कोड, उसी दिन होगा, उसी टाइम होगा, कंप्यूटर को गलती से भी बंद मत करना। ओके, सो दो क्वेश्चंस रहते हैं, एक रहता है बहुत ही इजी और एक रहता है मीडियम लेवल का। तो मेरे पर्सनली मैं जो इजी वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था और मीडियम लेवल क्वेश्चन का मैंने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया था, मतलब दो टेस्ट केस में से मैंने एक टेस्ट केस रन किया था। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर आपका यहाँ पे दो कोड ही रन कर जाता है या ऑस के साथ साथ आपका एमसीक्यू भी बढ़िया रहता है, मार्क्स वगैरह आपको अच्छा मिलता है, तो आपका सिलेक्शन होगा एक्सेंचर में एसई के लिए, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन रोल के लिए आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका एग्जाम उतना बढ़िया नहीं होता है तो आपका सिलेक्शन होगा एएसई के लिए, इसे होता है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसका पैकेज है 4.5 लाख, और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सिलेक्ट होते हैं उसका पैकेज रहेगा 6.5 लाख। ओके, तो जब भी आपका एग्जाम हो जाता है, अगर आप एक भी कोड कर लेते हैं इजी वाला तो भी मैं कह सकता हूं आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। ओके, सो मैंने जो किया था, मैंने बताया इजी वाला कोड मैंने किया था और जो मीडियम वाला कोड था उसका मैंने एक टेस्ट केस में रन किया था। मेरा एमसीक्यू उतना अच्छा नहीं हुआ था, फिर भी मेरा जो है आया था कॉल, उतना खराब भी नहीं होता यार, मैंने क्वालिफाई किया था तो मतलब ठीक ठाक रहा था, मतलब वो नहीं कि मैं 90% ठीक हुआ होगा वैसा नहीं था। ओके, सो उसके कुछ दिन बाद मेरा मेल आता है कि मेरा जो सिलेक्शन हो चुका है, अब जो मुझे देना पड़ेगा एक इंग्लिश का टेस्ट। तो इंग्लिश का टेस्ट काफी इजी रहता है, कुछ कुछ टॉपिक स्क्रीन के ऊपर आते हैं, कुछ लिखा कुछ वर्ड सेंटेंस आते हैं, उसको आपको प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है, प्रोनाउंसिएट करना पड़ता है। उसके साथ साथ एक होता है स्टोरी टेलिंग, और वहाँ पे आपको जो एक स्टोरी बताया जाएगा वो सुन के आपको जो है खुद से रिपीट करना है। तो इस तरीके का एक बेसिक टेस्ट रहता है जो जिसे हम एक्सेंचर कहते हैं, कुछ कम्युनिकेशन टेस्ट था, नाम मुझे याद नहीं है, बेसिकली एक पियर्सन का टेस्ट होता है कम्युनिकेशन टेस्ट। अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना तो टेस्ट को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एक आपको ऐप मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे पियर्सन नाम करके, वो ऐप आप डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो एक नॉन एलिमिनेशन राउंड है, वहाँ पे आपकी आपको जो है आपका जो एलिमिनेशन नहीं होता है। अगर आपका खराब रहता है टेस्ट फिर भी आपका जो एलिमिनेशन नहीं होगा, आपको इंटरव्यू का कॉल जरूर आता है, ये एक्सेंचर की तरफ से भी आपको बता दिया जाएगा। ओके, उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू एक्सेंचर का मैं बता दूं, मेरा जो है कंप्लीट, मेरा टोटल 7 कंपनीज में जो मेरा प्लेसमेंट लगा था, जॉब ऑफर मुझे मिला था, मैं बता दूं सबसे इजी इंटरव्यू मेरा एक्सेंचर का ही हुआ था। सिर्फ मेरा नहीं, मेरे जितने भी दोस्त था सभी का एक्सेंचर का इंटरव्यू काफी बढ़िया हुआ था। मेरे कॉलेज से जितने भी हमने दिए थे, एक दो को छोड़ के सभी का जो सिलेक्शन हुआ था एक्सेंचर में, ये बात की बात है कि हम में से बहुत सारे ज्वाइन नहीं किया था। ओके,
सो काफी इजी रहता है इंटरव्यू। बेसिकली ये रहता है एचआर और मैनेजर लेवल राउंड का इंटरव्यू रहता है, कोई भी कोडिंग आपको नहीं करने का दिया जाएगा। थोड़ा सा मैं पैटर्न के बारे में बताता हूँ। जो एक्सेंजर का जो इंटरव्यू होगा वो उनके ही प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा एक टाइम के अंदर, जो टाइम को आपको खुद से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन लाइन के बाद आपको एक मेल आएगा कि उसमें आपको बताया जाएगा आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हुए हैं, आप अपना डेट चूज कीजिए, उसके साथ साथ आप चूज कीजिए टाइमिंग। डेट आपको चूज करने का लिखा रहता है मगर अब ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही डेट मिलता है मगर स्लॉट आपको बहुत सारे दिया जाता है। यहाँ पे एक चीज मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ आप सभी को कि जितना हो सके स्लॉट को जल्दी से जल्दी सिलेक्ट कीजिए। जल्दी से जल्दी मतलब सुबह के टाइम में स्लॉट को सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तब इंटरव्यूअर भी फ्रेश रहते हैं तो थोड़ा कम क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछते हैं। ये टिप्स रहना आपके लिए जरूरी है और सिलेक्शन चांसेस भी ज्यादा ज्यादा रह जाते हैं जो मॉर्निंग में इंटरव्यू देते हैं। ओके, सो आपको सिर्फ सिलेक्ट कर लेते हैं जिस दिन आपका इंटरव्यू रहता है। सपोज मेरा 11 तारीख को इंटरव्यू है और मैंने 9 बजे से स्लॉट को सिलेक्ट किया, 9:30 बजे से, तो 9:30 बजे आपको ज्वाइन करना होगा। उसके बाद आपके एक बीप बजेगा, पीप पीप करके एक जो रिंग बजता है उसका मतलब होता है आप ज्वाइन कीजिए। तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप ज्वाइन कर जाएंगे, एक बटन मिलेगा, बटन को प्रेस करते हैं तो आप लॉबी में चले जाएंगे। तब जो आपका इंटरव्यूअर आपके लिए बैठे रहेगा और जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिकली आपको ये जो इंटरव्यू होता है यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे आपके प्रोजेक्ट क्या था फाइनल ईयर, और प्रोजेक्ट में आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है क्या नहीं था, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है क्या, मतलब आपने किसी जगह से कोई भी कोर्स वगैरह किया है कि नहीं किया है, तो ये सब चीज़ें पूछा जाता है। उसके साथ साथ आप कुछ एचआर लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज आप जो है काम कर रहे हैं एक्सेंचर में और शायद आपकी टीम मेंबर के साथ आपका झमेला होता है, तो किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करेंगे, किस तरीके से आप जो है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे अगर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है, तो इस तरीके की बेसिक एचआर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके से रहता है, उसके साथ साथ आपको और एक चीज़ मैटर करता है वो है आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। नर्वस मत होना, काफ़ी ईजी रहता है इंटरव्यू, इंटरव्यूअर काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं और ज़्यादातर इंटरव्यूअर जो एक्सेंचर में होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर हैं, तो ये मत पूछना कि आप कुछ भी चीज़ें बता दोगे उन्हें तो उनको पता नहीं चलेगा। ज़्यादातर इंटरव्यू के एक्सपीरियंस 5-7 साल से ज़्यादा के होते हैं। ओके, तो एक चीज़ का ध्यान रखना और बढ़िया तरीके से इंटरव्यू देना है। कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, कोई भी कोड आपको नहीं करने के लिए दिया जाएगा, वहाँ पे कोई भी चीज़ ऑप्शन है नहीं कि आप इसका अपना स्क्रीन शेयर कर पाओगे जहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। हाँ, एक चैट विंडो रहता है, तो मैंने देखा था कि करीबन जो 30 में से आप मान के चलते 50 में से एक स्टूडेंट को जो है वहाँ पे कोड करने के लिए, कोड के लॉजिक लिखने के लिए दिया गया था, बेसिक लॉजिक था, तो प्राइम नंबर वगैरह का लॉजिक आपको शायद आपको दे सकते हैं, वो 99% केसेस में नहीं होने वाला है। 99% केसेस में आपको कोई भी कोडिंग के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, कोई भी आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे टेक्निकल क्वेश्चंस, कोई भी आपसे कोई भी आपको बेसिकली आपको टेक्निकल रिलेटेड कोई भी चीज़ आपसे पूछा नहीं जाएगा। सिर्फ आपको अपना प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि आपने कौन कौन से लैंग्वेज यूज़ किए थे, क्यों यूज़ किए थे, तो ये सब चीज़ें आपको पूछा जाता है। काफ़ी ईजी रहता है इंटरव्यू, इंटरव्यू आपका करीबन 10-15 मिनट का बीच में होता है। तो गाइस जिस तरह से मैंने बताया काफ़ी इजी रहता है इंटरव्यू, उतना जो हार्ड नहीं रहता है, तो आप आसानी से क्लियर कर पाओगे अगर आपका कॉन्फिडेंस वगैरह ठीक ठाक रहता है। तो इंटरव्यू होने के 5-7 दिन के अंदर या 10-12 दिन भी लग जाते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, और आपका LOI उस दिन मिल जाएगा। तो ये है एक्सेंचर का मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो जो कि मैंने आपको सबके साथ अभी शेयर किया है। काफ़ी ईजी इंटरव्यू रहता है, वन ऑफ द ईजिएस्ट इंटरव्यू है मेरे लिए जिस तरह मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और गाइस आपसे फिर मिलते हैं हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, आपके आसपास जितने भी लोग उनके मदद कीजिए ताकि हम जो इस टाइम से निकल पाएं। तो गाइस आपसे फिर मिलते हैं हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।